हेलो एवरीवन टुडे वी आर कमिंग बैक विथ अवर लेक्चर नंबर फोर ऑफ दिस सीरीज दैट इज फोटो इलेक्ट्रिसिटी एक्स एंड लेजर ओके सो इसका हमारा फोर्थ लेक्चर है इस यूनिट का एंड नाउ इन टूडेज लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ओके आज कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे हमने आइंसटाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ओके वो भी देखा था तो उस पर बेसिस पे और बाकी के भी जो फार्मूलै थे उस पर बेसिस पे हम आज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वन बाय वन एक देखते हैं ठीक है तो फर्स्ट देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूला पहले रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो फार्मूले देखो क्या क्या है तो देखो ई इक्वल टू एच न्यू ये हमारा बेसिक जो फार्मूला था आइंस इक्वेशन बोलते हैं इसे ठीक है इक्वल टू एच न्यू और एस सी बाई लैमडा और न्यू की जगह पे हमने सी बाई लैमडा इंप्रूड किया तो एस सी बाई लैमडा बन गया ओके okay, उसमें एच है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड सी है हमारा विलासिटी ऑफ लाइट एंड लैमड़ा हमारा रहेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट ओके सेम यही फॉर्मूला यूज़ किया है अभी देखो हमने जो क्वांटाइजेशन रूल यूज़ किया था तो उसमें ऐसा लिखा था ई इक्वल टू एन एच न्यू ओके और फिर यहाँ पे भी एन एस सी बाई लैमड़ा ओके एंड देखो यहाँ पे एंड जो है वो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स है और यहाँ पे और एक फॉर्मूला ए इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो देखो क्या है काइनेटिक एनर्जी का ओके हाफ एम वी स्क्र इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू फिर अभी न्यू की जगह पे हम सी बाय लेमडा पुट करेंगे और फिर सी को कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा एच सी इन ब्रैकेट वन बाय माइनस वन बाय नॉट ओके इसमें क्या लैमडा नॉट जो वैल्यू है लैमड़ा है वो वेवलिंग थे वेवलिंग ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलिंक थे और जो लैमड़ा नॉट है वो एक्चुअली थ्रीशॉल वेवलिंक थे हमने पढ़ा ही था क्या था ओके okay, ना थ्री फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में अचीव होता है ओके okay? उसे बोले बोलते हैं कि थ्री फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रहेगा मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स इज नोन एज दी थ्री शॉल्ट वेवलेंथ ओके यही चीज़ है और यहाँ पे जो वी है एम बी स्क्र में वी उसे वेलासिटी है बोलते हैं हम ठीक है बाकी सब क्वान्टिटी वही है जो हमने अभी डिस्कस की देन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन जिसे हम डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते थे तो देखो ये कैसा है डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट ऐसा रहेगा और उसे ही हम न्यू नॉट को हम सी बाय लैमरा नॉट लिख सकते हैं तो एच सी बाई लैमरा नॉट बनेगा ठीक है डब्ल्यू नॉट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन और एग्जैक्ट एनर्जी रिक्वायर टू लूज द इलेक्ट्रॉन ठीक है और कन्वर्जन का भी कुछ फॉर्मुलेज है तो कन्वर्जन किस में करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक जूल्स uh, का हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पहले वैल्यू मालूम होनी चाहिए तो वो है into 10 raise to uh, okay. वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन जूल्स ओके या फिर वन एंगस्ट्रॉन्ग का भी मालूम होना चाहिए तो वो कितना है वन इंटू टेन रेज टू माइनस टेन मीटर रहता है और सेंटीमीटर में पूछेंगे तो वन इंटू टेन रेज टू माइनस एट सेंटीमीटर ओके एंड स्पीड ऑफ लाइट तो मालूम ही रहेगा वो है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड ओके एंड प्लैंक्स कॉन्ट्रेंस की वैल्यू भी दैट इज़ सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकंड ओके ये कभी कभी प्रॉब्लम में नहीं दिया जाएगा ओके okay. इसलिए हमें आपको याद रखना पड़ेगा और ये वैल्यू भी ओके okay. दोनों वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है इसलिए ये में भी कभी कभी प्रॉब्लम में नहीं दिया गया होगा तो आपको वो याद रखना पड़ेगा ओके नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं अभी देखो कुछ एग्जाम्पल्स है सोल्व एग्जांपल्स हमने देखे थे तो मतलब मैंने यहाँ पे यह कुछ सॉल्व है और आगे मैं क्वेश्चन बैंक में कुछ अनसोल्व भी एग्जांपल्स डाल दूंगा ओके okay, उसका मैं बता दूंगा हिंट दे दूंगा कि कैसे कैसे है उसको सॉल्व करना है ओके okay, फिर फार्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो ओके तो ये एग्जाम्पल्स देखो कैसे कैसे है तो पहला देखो क्या है एन एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन इमिट से क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद अ फ्रीकवेंसी एट इंटू टेन टू द पावर एटीन साइकल्स पर सेकंड कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी ये जो वैल्यू दी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो लिखा हुआ है या फिर इसके यूनिट से भी आप पहचान सकते हो तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहता है साइकल्स पर सेकंड रहता है या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकंड या फिर हर्ट्स लिखा रहेगा ओके तो ऐसा कुछ भी लिखा गया तो वो फ्रीक्वेंसी रहेगी तो फ्रिक्वेंसी किस चीज़ की फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पर बोला है देखो एक्सेटे इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना क्वांटम ऑफ रेडिएशन मतलब कितनी लाइट वो एक्चुअली इमिट कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी ओके मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की ही फ्रीक्वेंसी है ओके तो आप न्यूज़ से इसको डिनोट कर सकते हो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पूछा गया एनर्जी पूछा है तो एनर्जी का हमें फार्मूला मालूम है वो देखो एनर्जी का जो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन वाला फॉर्मूला है वो कितना ई इक्वल टू एच न्यू है ये हमें मालूम है हमारे पास न्यू उन दिया हुआ है ओके okay? न्यू की वैल्यू क्या है एट इंटू टेन टू द पावर एटीन है और एच का जो वैल्यू है वो है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ओके okay? तो प्लैंक्स कॉन्सटेंट की वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकंड ओके ये वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की ये यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमें ओके okay. तो जो हम अगर वैल्यूज़ पुट करते तो ये ऐसा बनेगा सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन पावर माइनस थर्टी फोर एट इंटू टेन और एटीन ये आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा देखो पावर्स जो है इनका अलग से बना दो ओके okay. कैलकुलेशन तो देखो क्या बनेगा एट टू अगर मैं सिक्सटीन लगता हूँ देन एट सिक्स फोर्टी एट फोर्टी एट फिर एक जो रहेगा कैरी आएगा तो वो कितना नाइन होगा तो यहाँ पे कितना होगा फोर्टी नाइन हो गया फोर ऊपर गया देन अगेन हमें क्या बनेगा पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे ठीक है देन ऐट सिक्स अगेन फोटी एट फोर्टी एट और फोर मतलब कितने हो गए वहाँ पे फिफ्टी टू तो अभी फिफ्टी टू लिख दो अब ये कितना बन गया फिफ्टी टू पॉइंट नाइन्टी सिक्स है और जो पावर्स है वो कितना होगा टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर और एटीन तो कितना हो गया माइनस थर्टी फोर प्लस एटीन वो कितना हो सकता है मतलब थर्टी फोर में से एटीन को माइनस कर दो तो कितना बनेगा सिक्स एंड हीयर कितना होगा सिक्सटीन बन जाएगा ये टोटल ओके okay. तो कितना बनेगा टेन टू द पावर माइनस सिक्सटीन टेन टू द पावर माइनस सिक्सटीन अगर एक पॉइंट को हम वापस आगे शिफ्ट करते ठीक okay? है अगर इसको मैं लिखता हूँ फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट टू नाइन सिक्स अगर मैं एक पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ तो इधर बन जाएगा टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन ओके और एनर्जी है तो वो तो जूल्स jou, में ही रहेगी ओके okay. तो जूल लिख दो यहाँ पे यूनिट यूनिट जो है जे लिख देता हूँ हम यहाँ पे जूल ओके okay. तो इस तरह से ये कैलकुलेशन भी आप हाँ, कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है ओके इजी कैलकुलेशन है पावर्स <coughs> का जो कुछ रहेगा मल्टीप्लिकेशन वाला मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या जो पावर्स रहेंगे अगर टेन टू द पावर ऐसा माइनस थर्टी फोर टेन द पावर एटीन है तो दोनों का क्या करना है एडिशन ही करना है मतलब माइनस थर्टी फोर प्लस एटीन ऐसा ठीक okay. है तो फिर जो आएगा वो ऐसा डायरेक्ट लिखना है तो पावर्स को अलग ही रखो इसको अलग रखो तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगा ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखो द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ इज सर्टेन मेटल इज थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूब्स ओके एंड कैलकुलेट इट्स थ्री शॉर्ट फ्रीकवेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मतलब क्या था वो एनर्जी थी, हमारी थ्रेशल एनर्जी जो होती है उसी को फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते हैं ओके okay? okay. तो ये क्या रहता है थ्री इंटू टेन टू स्टेल माइनस नाइनटीन तो ये डब्ल्यू नॉट होगा तो डब्ल्यू नॉट तो देखो यहाँ पे शो किया गया एंड क्या बोला है कि थ्रेशल फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है मतलब न्यू नॉट हमें फाइंड करना है ओके okay? न्यू नॉट हमें फाइंड करना है दिखा देखो एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो एच भी गिवन है तो अभी क्या डब्ल्यू नॉट और न्यू नॉट इनका रिलेशन हमें फाइंड करना है तो डब्ल्यू नॉट और न्यू नॉट का रिलेशन है डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट एच न्यू नॉट ओके अभी न्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू नॉट अपॉन एच ओके डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है कि वन है हमारे पास एच का भी वैल्यू है तो दोनों का अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो ओके कैलसीपे तो ये आपको यहाँ पे ये मिलेगी वैल्यू ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो फोटो इलेक्ट्रिक जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू दी है यहाँ पे मतलब डब्ल्यू नॉट दिया है फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट और क्या पूछा गया है कि थ्रेशॉल फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशल वेवलिंग पूछा है ओके okay? एच और सी दोनों का वैल्यू दिया हुआ है ओके okay, गिवन में पहले जितना भी है गिवन डेटा पहले लिख देना कभी भी डब्ल्यू नॉट हो मिल गया यहाँ पे फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना है तो इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जुल्स ओके तो वो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कर दिया और जूल में लिख दिया वैल्यू ओके एंड अभी क्या करना है न्यू नॉट फाइंड करना है पहले तो क्या लगेंगे डब्ल्यू नॉट और न्यू नॉट का रिलेशन है हमारे पास डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट है तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे न्यू नॉट इक्वल टू W नॉट अपॉन h. ओके वे वैल्यूज जैसे ही पुट करेंगे आपको ये ऐसा रिलेशन मिल जाएगा दोनों का सॉल्व करते हो तो आपको ये आंसर ऐसे मिलेगा ठीक okay. है ये आप सॉल्व करके देखो मैंने देखा हुआ है वैसे आंसर आ जाएगा इसका ठीक है नेक्स्ट है न्यू नॉट इक्वल टू सी बाय लेमा नॉट ओके तो देखो अभी क्या है न्यू नॉट का और एक है देखो जो न्यू नॉट और सी लेमडा नॉट का ये रिलेशन है न्यू नॉट इक्वल टू सी बाय लेमडा नॉट तो अभी क्या है हमें लैमडा नॉट फाइंड करना है तो लैमरा नॉट को ए साइड भेज दो तो सी बाय न्यू नॉट हो जाएगा तो थ्री इंटू टेन टू द पावर एट डिवाइड बाई वन पॉइंट टू वन टू इंटू टेन रू द पावर फिफ्टीन अभी ये सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा लैमडा नॉट की वैल्यू ठीक है तो क्या हो गया हमारे पास लेमरा नॉट मीटर में तो आ गया अब मीटर मतलब कैसा टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर मतलब कितना वन एक्स्ट्रॉन्ग होता है तो वही लिख दो टू फोर सेवन फाइव एंगस्ट्रॉन्ग हो जाए ये एक्स्ट्रॉट में होगी वैल्यू मोस्टली वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉक में लिखी जाती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं <coughs> <coughs> तो देखो अब ये सिंपल प्रॉब्लम है इसमें देखो क्या दिया गया है थ्री शॉल फ्रिक्वेंसी दिया गया है ओके फ्रिक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल ओके मतलब न्यू नॉट हमें दिया गया है थ्री शॉल फ्रिकवेंसी यहाँ पे एंड हमें क्या दिया है इफ ए लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब क्या हो गया इंसिडेंट लाइट की भी फ्रीक्वेंसी दी है मतलब न्यू भी दिया हुआ है ओके देन इज मेड इंसिडेंट ऑन दी मेटल प्लेट ओके कैलकू मेटल प्लेट पे इंसिडेंट किया गया कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रेड फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओके एच इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकंड है एच की वैल्यू भी दी गई है अभी क्या है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास एच इक्ल टू न्यू माइनस न्यू नॉट ओके मैक्सिमम कब रहेगा हमें मालूम है अगर न्यू अगर ग्रेटर रहेगा न्यू नॉट से तभी वो मैक्सिमम रहेगा ओके okay. तो हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का यही फार्मूला लिख दिया न्यू तो यहाँ पे बड़ा ही है न्यू नॉट से तो मतलब वो मैक्सिमम तो हो गए मतलब वो ज़्यादा होगी तभी वो मैक्सिमम हमें फाइंड करना है तो वही होगा इसी फॉर्मूला में सिर्फ पुट कर दो सारे वैल्यूज अभी जो कुछ हमारे पास है एच है हमारे पास न्यू भी है न्यू नॉट भी है जैसे आप करते हो तो आपको ये रिलेशन मिलेगा वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट टू कितना होता है ये होगा जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी टू पावर फिफ्टीन होगा फिर उसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा ओके नेक्स्ट क्या है देखो अभी एग्जाम्पल फाइव में थ्रिशॉल्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज़ वन पॉइंट वन टू इंटू टेन पावर ऑफ ओके थ्रिशॉल्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी भी दी गई है अभी यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी इलेक्ट्रिक मतलब वही जो फोर्थ में हमने किया वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है सेम उतनी ही चीज़ें दी गई है ओके okay. सॉल्व कर लो ओके okay. हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं देखो सिक्स वाला देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और ये थोड़ा करेंगे हम देखो क्या है द थ्रिशॉल वेवलिंग फॉर अ सिल्वर इज थ्री एट डबल जीरो एंगस्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉन्ग में अभी दी गई है हमारे वेवलिंग और वो वेवलैंग थोड़ी से थ्रिशल वेवलैंग थे मतलब लैमडा नॉट है वो लैमड़ा नॉट एंगस्ट्रॉग में दिया है एंगस्ट्रॉन्ग मतलब टेन टू पावर माइनस टेन मीटर है ओके okay. और क्या पूछा क्या गया है मैक्सिमम एनर्जी पूछा गया है तो मतलब कैपिटल ई e पूछा गया है ओके okay. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा ई e पूछा है तो कैपिटल ई पूछा है और लैमड़ा इतना पूछा है यहाँ पे इक्वल टू टू सिक्स ज़ीरो ज़ीरो एंग स्ट्रॉग है यहाँ पे ओके मतलब कितना है फोटो इलेक्ट्रॉन्स अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ मतलब लाइट की जो वेवलेंथ है वो दी गई है टू सिक्स ज़ीरो ज़ीरो एंगस्ट्रॉग है ए भी एंगस्ट्रॉन्ग में इसको भी मीटर में लिख दो सी का वैल्यू फिक्स है थ्री इन टू टेन पावर एट ओके अभी क्या हमारे पास रिलेशन है इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट ओके ये एक रिलेशन है और पर हमें ये पहले याद रखो न्यू इक्वल टू क्या होगा सी बाई लैमडा और न्यू नॉट अगर लिखना है वही तो हम लिखेंगे सी बाई लैमड़ा नॉट ओके तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे न्यू नॉट की जगह पे सी बाई लैमडा नॉट और न्यू की जगह पे सी बाई लैमडा ये पुट करेंगे तो ये ऐसा मिल जाएगा ओके okay? और फिर क्या होगा उसमें से अभी सी को कॉमन निकाल दो तो क्या बने एस सी इक्वल इन टू इन ब्रैकेट वन बाय लेमा माइनस वन बाई लैमडा नॉट ओके और जैसे ही हम ये सारे के वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो ऐसा मिलेगा हमें रिलेशन इसको आप सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व करोगे तो ये आपका कैलकुलेशन रहेगा ओके अब ये जूल में लिख दिया जूल को अभी वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो क्या डिवाइड बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन होगा तो ये क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो ठीक है यहाँ पे लिखा है देखो वन पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा वैल्यू बन जाएगा नेक्स्ट देखते हैं फाइंड मैक्म काइनेटिक एनर्जी ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल ऑफ़ लाइट फ्रिक्वेंस लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी वन इन टेन टू फॉर फिफ्टीन हर्ट्स गिवन थ्रेशॉल फ्रिक्वेंसी फॉर मेटल ओके तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा गया और लाइट की फ्रिक्वेंसी भी दी गई है ओके एंड थ्रेशॉल वेवलेक दिया गया ओके okay. तो देखो कैसा कैसा लाइट की फ्रिक्वेंसी न्यू दिया गया थ्रेशॉल वेवल लैमड़ा नॉट दिया गया और काइनेटिक एनर्जी पूछा गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास एच इन टू न्यू माइनस न्यू नॉट है तो अभी जो लैमडा नॉट दिया गया है ना तो इसलिए न्यू नॉट को हमें उस लैमडा नॉट के फॉर्म में लाना पड़ेगा तो माइ ये क्या होगा सी बाय लैमडा नॉट होगा ना तो ये पुट कर दिया हमने न्यू नॉट की जगह पे जो न्यू नॉट है इसकी जगह पे हमने सी बाय लेमडा नॉट पुट कर दिया है तो बन गया एच इन्टू न्यू माइनस सी बाई लैमडा नॉट इक्वल टू फिर वो पूरा वेलव्यू यहाँ पे पुट कर दो ऐसे ही पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का जूल्स में अभी क्या है एट्थ एग्जाम्पल करेंगे वो क्या है देखो द तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर पर सर्टेन मेटल तो मतलब डब्ल्यू नॉट की वैल्यू दी है और उसका थ्री फ्रीक्वेंसी पूछा गया है प्लैंक्स कांस्टेंट भी गिवन है ओके डब्ल्यू नॉट और हमें क्या पूछा गया है कि न्यू नॉट पूछा गया है ओके तो डब्ल्यू नॉट और न्यू नॉट का तो रिलेशन डायरेक्ट है डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट है तो ये रिलेशन पुट कर दो यहाँ पे न्यू नॉट के लिए फॉर्मूला लिखो इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अपन एच तो इसे आप इंस्टॉल करते हो आपको ये आंसर मिलेगा ठीक है सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है ओके करके देखो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा ओके कैल्सी में भी ट्राई करके देख लो यही <coughs> कुछ कुछ तो डायरेक्ट सिम्प्लीफिकेशन से आप बता सकते हो ओके नेक्स्ट देखते हैं द एनर्जी ऑफ़ फोटोन इज़ फाइव पॉइंट ट्वेंटी एट इंटू टेन रुपये और माइनस नाइनटीन जूल तो अभी एनर्जी दी गई है फोटोन की मतलब ई e की वैल्यू मिल गई है हमारे पास कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक न्यू और लैमड़ा की वैल्यू पूछी पूछिए ओके सी का वैल्यू भी दिया है एच का वैल्यू भी दिया हुआ है ओके तो ई और लैमड़ा न्यू और लैमड़ा इन लोग का क्या रिलेशन है वो दिखाना है तो so, पहला तो फॉर्मूला हमारे पास है इक्वल टू एच न्यू और लैमड़ा के साथ है इक्वल टू एच सी वा लैमड़ा ओके ये दो फॉर्मूलाज है इसमें वैल्यूज पुट कर दो अभी सब ओके okay, जो हमारे पास हैं तो न्यू इक्वल टू क्या बनेगा ई बाय एच अब ये ई e और एच इसका वैल्यू ये कर दो जैसे आप करोगे सॉल्व करोगे आपको ये वैल्यू मिलेगी न्यू इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सेवन नाइन सेवन इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन हर्ट्स ओके और जो सेकेंड फार्मूला है वो क्या है इक्वल टू एच सी बाई लैमड़ा अभी क्या है इसलिए अभी लैमड़ा के लिए लिखो ये फार्मूला तो कितना बनेगा एच सी बाई ई ओके तो कितना बनेगा सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर थ्री इंटू टेन टू पावर एटीन एट डिवाइड बाई फाइव पॉइंट टू एट इंटू टेन पावर माइनस नाइन्टीन ओके ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी ओके okay. और लैमड़ा की वैल्यू क्या रहेगी लैमड़ा इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फोर इंटू टेन दो पावर माइनस सेवन मीटर ओके मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब सिंपल स्टेप्स है क्या मल्टीप्लीकेशन इच्छा नहीं है कुछ नहीं है ठीक okay, है जो पावर्स है उसको क्या करना है डायरेक्ट एडिशन करना जाना है ओके okay, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव साइन यूज़ करो प्लस रहेगा तो प्लस ओके okay, पावर्स को डायरेक्ट ऐड करो जैसे यहाँ पे किया हुआ है देखो इंटू द पावर थर्टी फोर है माइनस थर्टी फोर है एट है और ये नाइन्टीन को ऊपर ले लिया तो ऐसा ऐसा बन जाता है ओके okay, ये पावर्स को एडिशन इस तरह से रहता है नाइनटीन को ऊपर ले लिया तो वो प्लस हो गया ना इसलिए वो डायरेक्ट एडिशन है नेक्स्ट देखते हैं एन एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन इमिट से क्वांटम ऑफ रेडिएशन विथ फ्रीक्वेंसी तो अभी देखो यहाँ पे वही है जो स्टार्टिंग में हमने देखा था तो इलेक्ट्रॉन उसका रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है न्यू है और पूछा गया है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैपिटल ई पूछा गया है तो हमें वही फॉर्मूला ई इक्वल टू एच न्यू यूज़ करो तो लिख दिया तो क्या बनेगा जूल्स में दिखाया है अभी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले वन जूल को क्या आता है वन डिवाइड बाय वन पॉइंट सिक्स जीरो टेन टू पावर माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वन जूल के लिए तो कैपिटल ई में क्या करेंगे डिवाइड बाय वन पॉइंट सिक्स करेंगे हम और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर लाएंगे ओके नेक्स्ट देखते हैं <coughs> तो देखो द फोटो इलेक्ट्रॉनिक वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज द थ्री पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मतलब डब्ल्यू नॉट की वैल्यू हमें दी है वो कितनी है थ्री पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और थ्रेश फ्रिक्वेंसी जो है एच इक्वल टू क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जीरो सेकंड तो वो हमारे एच की वैल्यू है और थ्रेशॉल फ्रिक्वेंसी पूछी गई है मतलब न्यू नॉट पूछा गया है डब्ल्यू नॉट गि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जुलू से ठीक है okay? तो ये हम यूज़ करेंगे उसमें तो हमारा क्या है डब्ल्यू नॉट की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड्स में थी तो उसको हमें जूल्स में हमने ये किया है ओके तो इसलिए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन से उसको मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किया हुआ है अभी क्या है डब्ल्यू नॉट इक्वल टू क्या फॉर्मूला है एच न्यू नॉट ओके ये फॉर्मूला है और न्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू नॉट अपॉन एच ओके डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है थ्री पॉइंट टू इंटू टेन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन्टीन डिवाइड बाय सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर न्यू नॉट इक्वल टू जीरो पॉइंट डबल सेवन टू इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन्टीन प्लस थर्टी फोर ओके ये न्यू नॉट की वैल्यू है और न्यू नॉट का आंसर आएगा ये जीरो पॉइंट सेवन सेवन टू इंटू टेन टू पावर माइनस फिफ्टीन हर्ट्स ओके तो यह हमें क्या मिल गया थ्री शॉल्ट फ्रिक्वेंसी मिल गया नेक्स्ट देखो क्या है अभी हमारे क्वेश्चन तो कम्प्लीट हो गए जो हमने देखे सॉल्व क्वेश्चन कुछ तो अभी क्वेश्चन बैंक में भी देखते हैं कुछ जो क्वेश्चन थे वो तो पहले तो देखो थेरोटिकल क्वेश्चन है एक एज पर प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल ओके तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का प्रिंसिपल क्या है ओके इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिक या फिर लाइट टू काइनेटिक एनर्जी या फिर लाइट टू हीट एनर्जी तो हमें मालूम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअल में क्या होता था फोटॉन्स मतलब क्या था लाइट्स थी ओके जिसको एक्चुअली देन इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इमिट होते थे तो मतलब क्या होता था लाइट का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिक में होता था इसलिए क्या बोलते हैं लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टे इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी ये चीज़ होगी यहाँ पे लाइट एनर्जी इज कन्वर्टे इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेक्स्ट क्या है देखो इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल द प्रॉपर्टी यूज इज़ मतलब क्या है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल के जो अप्लीकेशंस है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी मोस्टली यूज़ की जाती है तो हमने देखा था लाइट इंसिडेंट होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसमें बढ़ता रहता है तो क्या होगा कि स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और डायरेक्ट फ्रिकवेंसी ऑफ लाइट ये नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को डायरेक्ट प्रोर्शन होता है ये भी करेक्ट नहीं है ओके okay? करेक्ट सिर्फ यही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें से ज़्यादा फ्लो होगा ओके ज़्यादा कंडक्शन होगा उसके अंदर से हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक सेल स्टडी किया था वो टाइम पे हमने ये सब पॉइंट्स डिस्कस किए थे ओके okay? नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल तो हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अप्लीकेशन में बर्गर आराम ओके जो बर्गलर आराम था तो ये भी एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक सेल का अपलीकेशन ही है लक्स मीटर जिस जो इससे हम इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं तो वो भी उसका ही अपलिकेशन है देन ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोल स्ट्रीट लाइट कंट्रोल का भी हमने देखा था कि जैसे ही दिन होगा दिन के टाइम पे वो लाइट ग्लो नहीं करेंगे बट जैसे ही जब भी लाइट आना बंद हो जाएगा शाम के टाइम पर या फिर रात के टाइम पर तो वो टाइम पर क्या हो जाएगा तुरंत वहाँ पर लाइट क्लोज होंगे ओके तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर वाला ये जो सिस्टम था वो तो ये सब तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एप्लीकेशन ही है जो लास्ट है वो क्या देखो टू क्योर डिजीज लाइक कैंसर तो कैंसर क्योर करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंप्लीट ऐसा यूजफुल नहीं है तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा दिस इज नॉट द ऑप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल नेक्स्ट देखते अभी तो प्रिंसिपल ऑफ एल इज तो अभी क्या है जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हमने स्टडी किया था उसको फोटो रजिस्टर भी बोला जाता है तो उसका उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है तो क्या क्या लिखा हुआ देखो इट्स रजिस्टेंस डिक्रीज़ एस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस ओके देन नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ़ फ़ोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये भी नहीं था मतलब उसमें एल में ये प्रिंसिपल नहीं यूज़ करते थे देन इट्स रजिस्टेंस इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओके ये भी नहीं ये रॉन्ग है ओके इट्स रजिस्टेंस इंक्रीजेस विद फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट ये भी रॉन्ग है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट क्यों क्योंकि जैसे जैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे हम लाइट की उसके ऊपर तो उसका रेजिस्टेंस कम कम होते जाता है उसकी कंडक्शन कंडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है उसका ओके okay? ये एक्चुअली एल का प्रिंसिपल था और इसी प्रिंसिपल की वजह से एल बहुत यूजफुल है उसके एप्लीकेशन भी बहुत सारे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ओके अभी नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्लीकेशन ऑफ एल डी आर एल डी आर का कौन सा अप्लीकेशन नहीं है इसमें से तो देखो क्या है सिक्योरिटी यूज इन सिक्योरिटी अलार्म तो सिक्योरिटी अल्म में तो यूज़ होता है क्योंकि हमने देखा बल्गर अलार्म वगैरह इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स ये सब यूज़ होता है मतलब एल डी आर भी यूज़ होता है ओके एल डी आर एक्चुअली फोटो कंडक्टिव सेल्स है ओके okay. एस स्मोक डिटेक्टर स्मोक डिटेक्टर के लिए भी एल का यूज़ करते हैं देन स्ट्रीट लाइट कंट्रोल के भी यूज़ करते हैं सी जो ऑप्शन है यूज इन डेजल सर्जरी इसमें नहीं यूज़ करते सब चीज़ें ठीक है okay. तो आंसर जो होगा वो यही आएगा यूज इन डेजल सर्जरी क्योंकि ये इसमें नहीं यूज़ किया जाता ठीक है दिस इज़ नॉट अ अप्लीकेशन ऑफ एल देखो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स uh, के भी क्वेश्चन है द इर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स टू इलेक्ट्रॉन इट्स विल बी तो देखो यहाँ पे एनर्जी दी गई है फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन की और पूछा क्या गया है कि फ्रीक्वेंसी पूछा गया है तो हमें सिंपल फार्मूला यूज़ करना है ई इक्वल टू एच न्यू एच का वैल्यू हमें मालूम है सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकंड ओके एच की वैल्यू पुट कर दो और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो क्या करना है ई बाई एच कर दो इसको इस फॉर्मूला को और न्यू इक्वल टू ई बाई एच तो ये आप अगर सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा ये ओके okay. फाइव पॉइंट सेवेंटी नाइन इंटू टेन पावर फोर्टीन तो आप ये सॉल्व करके देख लो ओके एज अ होमवर्क आप इसको सॉल्व कर सकते हो ओके okay? ये पूरा सॉल्व कर लो ठीक है जो कुछ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो ओके okay? देन एन एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन इमिट्स ए क्वांटम ऑफ़ रेडिएशन विद अ फ्रीक्वेंसी नाइन इं टू टेन तो पावर माइनस टेन दो पावर नाइनटीन साइकल्स पर सेकंड एनर्जी ऑफ फोटॉन ओके तो जो एनर्जी रहेगी फोटोन की वो कितनी होगी तो यहाँ पे आंसर आएगा तो यहाँ पे आपको करना क्या है पहले वो देख लो ना तो देखो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी मतलब न्यू दिया गया एनर्जी ऑफ फ़ोटोन पूछा गया है मतलब सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है इक्वल टू तो एच न्यू यूज़ करना है सिर्फ okay, अभी क्या पूछा गया एनर्जी पूछी गई मतलब अभी तो इस डायरेक्ट ही यूज करना है सिर्फ एच की वैल्यू मालूम है न्यू की वैल्यू मालूम है डायरेक्ट डाल दो ई e की वैल्यू मिल गई नेक्स्ट देखो क्या है ई द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इसका आंसर ही आएगा ठीक है देन क्या है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ओके द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर ऑफ ए सर्टेन मेटल इज सिक्स इंटू टेन द पावर माइनस नाइन्टीन ओके एंड इट्स थ्री फ्रीक्वेंसी, ओके तो अभी क्या करना है हमें पूछा गया है वर्क फंक्शन दिया गया है फ़ोटो वर्क फंक्शन मतलब डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है यहाँ पे, और हमें क्या करना है यहाँ पे, थ्री फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी मतलब डब्ल्यू नॉट है और हमें न्यू नॉट चाहिए तो वो दोनों का रिलेशन भी है डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट एच रहेगा यहाँ पे रहेगा, ये न्यू नॉट रहेगा ओके ये समझ लो ठीक है न्यू नॉट की वैल्यू मतलब क्या रहेगा डब्ल्यू नॉट अपन एच ठीक है सॉल्व कर दो एच का वैल्यू हमारे पास मालूम है सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइन एंड डब्ल्यू नॉट भी मालूम है तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर दिस इज अबाउट तो यहाँ पे आंसर हमारा सी आएगा नाइन इंटू टेन पावर फोर्टीन हर्ट्स, ओके ये याद रखना नेक्स्ट क्या देखो द थ्री शॉल फ्रिकवेंसी फॉर मेटल इज वन पॉइंट टू इंटू टेन पर फिफ्टीन इट्स थ्रेश वेवलेंथ विल बी तो अभी थ्रेशॉल फ्रीक्वेंसी दिया गया है, मतलब न्यू नॉट यहां पे दिया गया है। ओके okay, आपको फाइंड करना है लैमडा नॉट तो न्यू नॉट दिया गया है तो अभी क्या लैमडा नॉट फाइंड करना है तो इसका सिंपल रिलेशन है न्यू नॉट इक्वल टू सी बाय लेमा नॉट है तो सी लिखो यहाँ पे डिवाइड बाय लेमा नॉट ओके सी बाय लेमडा नॉट है तो अब लैमडा नॉट के लिए फॉर्मूला लिखो लैमडा नॉट इक्वल टू सी बाय न्यू नॉट हो जाएगा और वो वैल्यूज पुट कर दो हो जाएगा इसमें नेक्स्ट क्या है द द्रिशल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज वन इंटू टेन टू द पावर फिफ्टीन हट्स ओके तो थ्रिशल फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट दिया गया लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन हट्स इज मेड इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट तो जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो भी दिया गया टू इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन हट्स तो मतलब न्यू नॉट दिया गया न्यू दिया गया पूछा गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट न्यू माइनस न्यू नॉट वैल्यूज पुट कर दो ओके okay. तो फर्टी uh, फाइव का भी आंसर बाकी गया ना तो वो उसका आंसर देखो यहाँ पे डी आता है ओके okay? ये सॉल्व करके देखना ना और ये जो है थर्टी सिक्स हमने देखा इसका आंसर ये आएगा ठीक है न्यू माइनस न्यू नॉट अगर आप करते हो देखो टू इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन और ये वन है मतलब टू माइनस वन वन ही हो जाएगा और एच का वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर रहता है तो माइनस थर्टी फोर प्लस फिफ्टीन है तो क्या वो अगर कर, करोगे आप तो वो माइनस नाइन्टीन तक आएगा ओके जी जी बिल्कुल नेक्स्ट क्या था थ्री शॉल्ट व्यू लिंक फॉर सिल्वर सिल्वर के लिए थ्री शॉल्टूनट थे थ्री एट जीरो जीरो एंगस्ट्रॉग यूनिट ओके मतलब लैम्डा नॉट दिया गया है एंड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन हमें पूछा गया तो डब्ल्यू नॉट का हमारे पास फॉर्मूला है डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट है तो उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं उस फॉर्मूला को डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच सी बाई लैमरा नॉट तो अभी क्या लैमडा नॉट की वैल्यू क्या बनेगी लैमडा नॉट इक्वल टू एच सी बाई डब्ल्यू नॉट ओके ये होगी तो इससे बट हमारे पास वेवलिंग तो है हमें सिर्फ वही फोटोली फोश तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला में ही पुट कर दो आ जाएगा आंसर ठीक है तो इसका अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर बनेगा ये ओके फाइव पॉइंट टू इंटू तो टेन रूप माइनस नाइनटीन जीरो तो टी शॉर्ट वेवलिंग फॉर सिल्वर ओके वो भी ए भी सिल्वर का ही वेवलिंग दिया गया है और यहाँ पे रेडिएशन का भी वेवलिंग दिया गया है ओके दोनों का भी दिया है एंड फाइंड करना है एनर्जी ऑफ़ फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड करनी ठीक है okay, तो ये मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ठीक है ना इसका कैसा बनेगा देखो ई इक्वल टू हमें हमारे पास फॉर्मूला ये है ठीक है न्यू माइनस न्यू नॉट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एच सी बाई लैमडा माइनस सी बाई लैमडा नॉट अब सी को कॉमन ले लो तो कितना बनेगा एच सी वन बाई लैमडा माइनस वन बाई लैमडा नॉट ओके तो ये फार्मूला यूज़ कर दो क्योंकि हमारे पास लेमड़ा और लैमरा नॉट की वैल्यू है और प्लान्स काउंसिलर की वैल्यू तो फिक्स है और वेलोसिटी ऑफ लाइट की भी फिक्स है तो ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर दो ठीक है ये थर्टी एट के लिए मैं बताया अभी तो आपको यह मिलेगा एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगी ओके यहाँ पर एनर्जी मिल जाएगी तो इसका अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आपका मिलेगा बी ओके दैट इज़ फोर पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन रू पावर माइनस नाइन जूल नेक्स्ट क्या है देखो इफ़ फोटो इलेक्टिव फंक्शन ऑफ एसटन मेटल इज टू इंटू टेन रूप माइनस नाइनटी जूल देन इट्स थ्रिशॉल फ्रीक्वेंसी विल बी तो क्या पे क्या डब्ल्यू नॉट दिया गया है थ्रिशॉल फ्रिक्वेंसी पूछी गई है तो क्या होगा डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट ओके यही फार्मूला है बेसिक फॉर्मूला याद रख दो और फिर उसको क्या सिंप्लीफिकेशन करना है थोड़ा अरेंजमेंट करना है uh, जो क्वांटिटी चाहिए उसको लेफ्ट में भेज दो बाकी को ऐसा वैसा, वैसा सिर्फ अरेंजमेंट करना है बस सब फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं बस बेसिक कुछ फॉर्मूले उतने ही याद रखो द एनर्जी ऑफ इज़ सिक्स इंटू टेन रू पावर नाइन इसका थर्टी नाइन का आंसर का बाकी था ना ये थे ये आएगा ओके थ्री इंटू टेन रू पावर फोर्टीन। इसका भी सिंपली आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा द एनर्जी ऑफ फोटोन इज सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन इट्स इट्स वेव लेंथ विल बी तो अभी एनर्जी दी गई है वेव लेंथ पूछी गई okay. है ओके इक्वल टू एच सी बाई लैमड़ा हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल टू एच सी बाय लैमड़ा अब लैमड़ा की वैल्यू पूछी है इसमें से तो इसमें से क्या लैमड़ा की वैल्यू पूछे तो लैमड़ा इक्वल टू क्या बनेगा एच सी बाई ई ये फॉर्मूला बनेगा ओके okay. सो so, इसमें से अभी जो फोर्टी का है आंसर बनेगा डी ओके ऑप्शन डी हो गया सॉल्व कर लो आपने ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस एज अ होमवर्क आप सॉल्व करोगे ओके okay. सॉल्व भी करके देखना और ये वाला भी करके देखना क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनेगा आपको ये ओके फॉर्मुलेज भी इजी है फॉर्मूले याद रखो ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टू डेज लेक्चर आई होप यू हैव क्लियर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क थैंक यू वेरी मच